हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। ये आपके सामने हीरो की स्प्लेंडर प्लस देख सकते हो। इसमें ये वाली बाइक है ना जो 100 मिलियन पे निकाली गई है, तो मैं आपको इसकी एक एक करके क्विक रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हो आपके सामने काफ़ी जबरदस्त गाड़ी है और इसकी मैंने जो डार्क एडिशन है ना इसका, उसकी मैंने वीडियो डाल दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हो। ये देखते हो इसमें हमें सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है और किक भी देखने को मिल जाती है और स्पीडोमीटर मतलब नॉर्मली मिल जाता है, तो सही है। अभी तक स्प्लेंडर में हमें डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को नहीं मिला है, लेकिन आना चाहिए, आगे वाले टाइम में आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसमें इंजन सीसी की बात करें तो लगभग 97 सीसी का इंजन मिल जाता है और ये अगर हम इसमें साइड स्टैंड लगा देते हैं तो वो साइड स्टैंड वाला लाइट जल जाती है। और ये सेल्फ का है और ये i3s का है। ये देख सकते हो 100 मिलियन का बैच लगा हुआ है। 100 मिलियन मतलब ये हीरो ने अपनी 100 मिलियन बाइक सेल कर दी। और ये ना भाई सीट कवर काफ़ी जबरदस्त है गाड़ी का। अगर हम इसमें माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज लगभग ये 60 से 62 तक का माइलेज आसानी से दे देती है गाड़ी, और बाकी के सारे फीचर सेम है। बस ये सिर्फ और सिर्फ ये 100 मिलियन पे नया एडिशन निकालने की कोशिश की गई है मतलब हीरो की तरफ से। तो देख सकते हो आप लोग, ये है साइड प्रोफाइल गाड़ी की और इसमें आपको पता ही है i3s का यूज़ क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, उनके लिए मैं एक i3s पे फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये मुझे हीरो स्प्लेंडर ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छी लगी। और इसमें एक और आता है डार्क एडिशन, वो काफ़ी जबरदस्त है, उसकी वीडियो मैंने डाल दी, आप लोग पक्का जाके देखना, आप लोगों को पक्का गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम पावर की बात करें तो पावर ये 8.2 PS पावर जनरेट कर देती है गाड़ी। और ये देख सकते हो मतलब हल्की गाड़ी है, माइलेज गाड़ी है। अगर आपको डेली अप डाउन करना है किसी सिटी से, या आप लोग जॉब वगैरह करते हो, या फिर आपको गांव वगैरह जाना है, या फिर आपको मतलब डेली का जैसे आपका 60-70-80 किलोमीटर का चक्कर लग जाता है, तो आप लोग ये वाली गाड़ी प्रेफर कर सकते हो भाई। काफ़ी जबरदस्त गाड़ी है, माइलेज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि तेल भी आपको बताइए महंगा होता जा रहा है। तो आप लोग ऐसी गाड़ी लें जिससे आपकी फ्यूल की बचत हो। ये देख सकते हो पावर स्टार्ट बटन मिल जाता है और हमें इसमें किक भी देखने को मिल जाती है, जैसे कभी कभार पावर बटन काम नहीं करता है तो किक भी देखने को मिल जाती है। बाकी सब कुछ अच्छा है गाड़ी के अंदर। सीट कवर काफ़ी जबरदस्त दे दिया गया है, आपको मतलब सीट कवर बाहर से डलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हो सामने से लाइटें, और बेसिकली बाइक में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो देख सकते हो आप लोग, अगर आपको कोई चीज़ और अच्छी लगी या फिर कुछ चीज़ मैं नहीं बता पाया तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देख सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी गाड़ी की चाहिए, कौन सी बाइक की चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ जाया करूँगा। देख सकते हो इसमें हमें पीछे ये मिल जाता है लोहे का, मतलब पकड़ने के लिए, या आप अपना छोटा मोटा बैग वगैरह भी इसमें रख सकते हो। और इसमें हमें डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलते, ब्रेक दोनों हमें ड्रम देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये थी साइड प्रोफाइल, और शॉकर मिल जाते हैं सिंपल वाले। लेकिन भाई बाइक हल्की है, हल्की के साथ साथ माइलेज भी ज़्यादा अच्छा है। ये बाइक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिन लोगों को माइलेज चाहिए और मतलब लोकल में घूमना है उनके लिए। और पिकअप भी गाड़ी का सही है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भगानी भी नहीं चाहिए गाड़ी, अगर आप लोग भगाते हो तो, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है तो इसमें हमें थोड़ा बहुत खतरा तो रहता ही है, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि आजकल डिस्क ब्रेक एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। और इसमें हमें काफ़ी अच्छे एलॉय देखने को मिल जाते हैं बाइक में, देख सकते हो आप लोग, ये हैं 5 स्पोक एलॉय, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। और आपको बाइक एलॉय के साथ अच्छी लगती है या विदाउट एलॉय के साथ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये है इंडिकेटर, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है ये, तो देख सकते हो लाइट, और इसमें ये कंपनी की फिटेड लाइट आती है जो कि रात को काफ़ी अच्छी रोशनी प्रोवाइड कर देती है। अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्राइस रेंज भाई लगभग 70,000 से 75,000 के समथिंग पड़ जाती है बाइक हमें ये, और अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग प्राइस रेंज हो सकता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर अलग प्राइस है, तो भाई देखो होली दिवाली ऑफर आते रहते हैं तो इसके करके प्राइस अलग अलग हो जाती है, तो आप लोग समझ सकते हो खुद ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।